आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। सबसे पहला है हु का अर्थ कौन होता है। यदि रिक्त स्थान से पूर्व कोई व्यक्ति है तथा रिक्त स्थान के पश्चात कोई वर्ब है, क्रिया है, तो हु का प्रयोग किया जाएगा। पैटर्न है, सबसे पहले आपको पर्सन, कोई व्यक्ति दिखाई दे, किसी का नाम दिखाई दे, फिर खाली स्थान दिया गया हो, जैसे यहाँ ये हो गया पर्सन हो गया, फिर ये आपके सामने हो गया खालिस्तान हो गया, फिर आपके पास ये वर्ब आ गई यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे एजी यहाँ पे लिखा गया है। यदि ऐसी कंडीशन होती है तो आप वहाँ पे यूज़ करेंगे किसका, हु का, यानी यहाँ पे क्या आएगा, हु आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। यानी मिस्टर राम हु इज ए टैक्सी ड्राइवर लिव्स इन सीकर, श्रीमान राम जो एक टैक्सी ड्राइवर है सीकर में रहते हैं। उसी तरह से अगला सेंटेंस है, दैट इज आशा द गर्ल। अब यहाँ पे ये द गर्ल है, ये क्या हो गया, पर्सन हो गया, पर्सन हो गई। यहाँ पे ये आपके सामने ब्लैंक स्पेस है और ये आ गई वर्ब आ गई। आपको बस इतना सा ध्यान रखना, आगे सेंटेंस कंटिन्यू है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हमें क्या भरना होगा, यहाँ पे भरना होगा हु। ये देखिए, यानी पर्सन दिया गया हो, उसके बाद में खाली स्थान हो, फिर वर्ब हो, फिर सेंटेंस कंटिन्यू हो, तो वहाँ पर आप भरेंगे हु का प्रयोग व्यक्ति विशेष के लिए होता है, यह सब्जेक्टिव केस में प्रयोग ही किया जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। यह आशा है द गर्ल हु हैज जस्ट अराइव्ड एट द रेलवे स्टेशन, वह लड़की जो अभी रेलवे स्टेशन पर आई है, यह आशा है, तो यहाँ पे हो गया हु। अब नेक्स्ट है देखिए होम, नेक्स्ट है होम। यदि रिक्त स्थान से पूर्व कोई व्यक्ति तथा रिक्त स्थान के पश्चात कोई व्यक्ति और उसके बाद में वर्ब दी गई है तो वहाँ पे होम का प्रयोग किया जाएगा। होम का प्रयोग करेंगे, देखिए वह होम का प्रयोग होता है ऑब्जेक्टिव केस में। कहाँ होता है होम का प्रयोग, ऑब्जेक्टिव केस में। आपको पैटर्न ध्यान रखना है बस, कि सबसे पहले क्या दिया गया हो, पर्सन दिया गया हो, उसके बाद में खाली जगह हो, फिर वापस पर्सन आता है और फिर वापस वर्ब आती है वहाँ पर। जैसे सेंटेंस है, वी डिड नॉट लाइक द मॉनिटर द प्रिंसिपल अपॉइंटेड, तो यहाँ पर देखिए ये हो गया पर्सन हो गया द मॉनिटर, ठीक है, उसके बाद में ये वापस पर्सन हो गया और उसके बाद में ये हो गई वर्ब। ऐसी कंडीशन हो तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे होम का, तो ये ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। हु का प्रयोग सब्जेक्टिव केस में होता है, होम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में होता है, ये हमें ध्यान रखना है। वी डिड नॉट लाइक द मॉनिटर, हमें वह मॉनिटर पसंद नहीं है जिसे प्रिंसिपल ने नियुक्त किया है, तो यहाँ पे आप क्या भर देंगे, होम का प्रयोग कर देंगे। यहाँ पे ब्लैंक स्पेस में क्या कर देंगे, होम का प्रयोग कर देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, प्रियांशु ब्लैंक स्पेस। अब देखिए यहाँ पे प्रियांशु क्या हो गई, यहाँ पे पर्सन हो गई, ठीक है, उसके बाद में ब्लैंक स्पेस है, ये वापस क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया और फिर वर्ब आ गया, हमें इतना ही ध्यान रखना है। ये देखिए, अब यहाँ पर प्रियांशु होम एवरीबडी लाइक्स इज अब्सेंट टुडे, प्रियांशु जिसे हर व्यक्ति पसंद करता है आज अनुपस्थित है, आज अब्सेंट है, ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऐसे कंडीशन में हम यूज करते हैं होम का। नेक्स्ट क्या है देखिए, हुज, नेक्स्ट अपना हुज, देखिए हुज का अर्थ होता है जिसका, जिनका, जिसकी। अब देखिए इसकी कंडीशंस, कुछ कंडीशंस हैं वो हमें ध्यान रखनी है। यदि पर्सन हो, पर्सन के बाद में कोई थिंग हो, थिंग के बाद में कोई वर्ब हो, एक तो कंडीशन ये हो सकती है, पर्सन खालिस्तान फिर थिंग और फिर वर्ब। दूसरी कंडीशन, पर्सन खालिस्तान फिर थिंग फिर पर्सन और फिर वर्ब, ये कंडीशन होती है। तो पहली कंडीशन देखिए, द गर्ल, देखिए हुज में आप इतना ध्यान रखें, ये होता है, ये संबंध बताने के लिए काम में लिया जाता है, किसमें, संबंध बताने के लिए प्रयुक्त तो होता है। और होम और हुज का अंतर समझने के लिए हमें अर्थ, यानी वाक्य के अर्थ पे बहुत ज़्यादा निर्भर होना पड़ता है। अब देखिए इसमें संबंध बताएगा, ये संबंध के लिए प्रयोग होता है। अब देखिए, द गर्ल ब्लैंक स्पेस आईज आर ब्लू इज माई गर्लफ्रेंड। अब देखिए यहाँ पे संबंध बता रहा है, द गर्ल हुज आईज आर ब्लू इज माई गर्लफ्रेंड, लड़की जिसकी आंखें
लड़की जिसकी आंखें नीली हैं मेरी गर्लफ्रेंड है, तो यहाँ पे हो जा जाएगा, यानी लड़की का आंखों से बिल्कुल संबंध है, ठीक है। द मैन ब्लैंक स्पेस पेन यू बोरोड इज माई अंकल, वे व्यक्ति जिससे आपने, अब जी एक तरह से देखेंगे जिस व्यक्ति से आपने पेन उधार लिया था वो मेरे अंकल है। यहाँ पे आप देखो एक बात और समझनी है, यानी शुरू शुरू में पर्सन है, ठीक है, दोनों में पर्सन आ गया, द गर्ल हो गए, द मैन दोनों पर्सन हो गए। अब यहाँ पे देखिए थिंग है, ठीक है, ये दोनों थिंग है, पहले वाला पैटर्न था, ठीक है, ये फॉलो कर रहा है, यहाँ पे आर आ रही है। दूसरा वाला पैटर्न था उसमें क्या है, देखो ये हो गया वापस पर्सन आ गया, तो इस कारण भी हमें किसका प्रयोग करना होगा, यहाँ पे हुज का प्रयोग करना होगा। ये पहले पैटर्न था, अब देखिए दूसरा पैटर्न क्या है इसका, ये रहा पर्सन हो और पर्सन के बाद में खाली जगह दी गई हो और वापस पर्सन हो और फिर वापस पर्सन हो सकता है या फिर वर्ब हो सकती, तो आपको उस कंडीशन में अर्थ के अनुसार आपको हुज का प्रयोग करना होगा। देखिए द वुमन यहाँ पे है, डॉटर यू टॉट इज माई सिस्टर्स फ्रेंड, द वुमन महिला जिसकी बेटी को तुम पढ़ाते हो, आप पढ़ाते हो, वह मेरी सिस्टर की फ्रेंड है। तो यहाँ पे किसका यूज होगा, ये संबंध के लिए बता रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा हुज का प्रयोग हो जाएगा, होम का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट है अंकित ब्लैंक स्पेस फादर इज ए टीचर इज माई फादर्स फ्रेंड, अंकित हुज फादर यहाँ पे क्या आएगा, हुज फादर जिसके पिताजी एक टीचर हैं, मेरे पिताजी के दोस्त है, इस तरह से। यानी सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज करते हैं इसमें होम और हुज ही करते हैं, होम का ऑब्जेक्टिव केस में होता है और हुज का प्रयोग संबंध के लिए किया जाता है। तो ये पैटर्न आपको समझने हैं अच्छी तरह से, आप यदि पैटर्न समझ लेते हैं तो आपको भरने में, रिलेटिव प्रोनाउन भरने में कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद में देखिए एकदम आसान है वहन का प्रयोग, तो वहन देखिए वहन का मतलब होता है कब, जब, जिस समय, ये अर्थ होते हैं इसके। यदि रिक्त स्थान के ठीक पहले समय दिया हो तो वहन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप समय दिया गया दोनों सेंटेंस में देखिए, ये कहता है इट वाज मंडे ब्लैंक स्पेस सी परचेस्ड ए रिंग, यह सोमवार था जब उसने एक अंगूठी खरीदी। तो यहाँ पे सीधा सा है, समय दिया गया, समय दिया गया तो सीधा से यहाँ पे क्या भर देंगे, वहन भर देंगे, ठीक है। इट वॉज मिड नाइट ब्लैंक स्पेस द बर्गलर ब्रोक इन टू माई द ब्रो इट वॉज नाइट द बर्गलर ब्रोक इन टू माई हाउस, यह रात थी यानी रात का समय था जब चोर या सेंधमार मेरे घर में घुस गया। तो यहाँ पे देखें नाइट है, नाइट भी समय है, तो यहाँ पर आप भरेंगे वहन, वहन का मतलब हो जाएगा जब या जिस समय, यह आपको ध्यान रखना वे है। देखिए जगह के लिए आपको यूज़ करना, जब भी जगह के बारे में बात आई, यहाँ पे देखिए स्कूल है, जगह है, ये है, ढाबा है, ये जगह है, तो वहाँ पे आप यूज करेंगे किसका, वेहर का। कोई होटल हो सकती, कोई गांव हो सकता है, तो वहाँ पर यदि रिक्तस्थान से पहले यदि ये बताता है किसके बारे में, जगह के बारे में बताता है, तो आप वहाँ पे वेहर भर दीजिए। वी विजिटेड द स्कूल वेहर माई सिस्टर टॉट, हम उस स्कूल गए जहाँ, वेहर का मतलब हो जाएगा यहाँ पे जहाँ, जहाँ मेरी बहन पढ़ाती थी। नेक्स्ट है द ढाबा वेहर वी टुक डिनर वाज वेरी गुड, द ढाबा जहाँ हमने डिनर किया बहुत अच्छा था। तो ये कुछ एक हैं रिलेटिव प्रोनाउन जो हमने आज पढ़े हैं। देखिए इनमें आपने एक बात नोट की होगी कि कुछ जो सेंटेंसेस हमने लिखे हैं रिलेटिव प्रोनाउन के, वहाँ पर हमने क्या किया है, वहाँ पर आपने ये देखा होगा कि कुछ में तो कोमा लगा हुआ है और कुछ में कोमा नहीं लगा हुआ। देखिए ये अपने को ध्यान रखने कि जहाँ पे हमने कोमा का प्रयोग किया है, जहाँ पे हमने कोमा का प्रयोग किया है, तो कोमा का प्रयोग करने का मतलब वो कौन सी क्लोज हो जाती है, नॉन डिफाइनिंग क्लोज हो जाती है। कौन सी, नॉन डिफाइनिंग क्लोज। और जिनमें हमने कोमा का प्रयोग नहीं किया है वो है डिफाइनिंग क्लोज, कौन से हैं, डिफाइनिंग क्लोज के वाक्य हैं। और रिलेटिव प्रोनाउन ये वाक्य में एडजेक्टिव का काम करते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, यानी इनसे पहले जो पूर्ववर्ती संज्ञा होती है उसके बारे में कुछ ना कुछ बताते हैं।